गदर 2 की धमाकेदार कमाई में हर दिन बॉलीवुड के कुछ रिकॉर्ड तबाह हो रहे हैं। जहां पिछले शुक्रवार तूफानी अंदाज में थिएटर्स में पहुंची इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मानो जैसे कब्जा ही कर लिया है, क्योंकि पहले एक हफ्ते में फिल्म ने ऐसी धुआंधार कमाई कर डाली है कि हर दिन इसकी कमाई लोगों को हैरान कर रही है। दरअसल डायरेक्टर अनिल शर्मा की गदर जब 2001 में रिलीज हुई थी तो इसने लगभग हर पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था, जहां जनता के प्यार ने फिल्म को ऐसी कमाई दिलाई थी जो उस समय लोगों ने सुनी भी नहीं थी, जिसके बाद अब गदर 2 भी कुछ ऐसा ही करने के लिए तैयार नजर आ रही है, क्योंकि 8वें दिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर जंप मिला और इस जंप से न सिर्फ एक बड़ा बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार हुआ, बल्कि इस स्पीड से पार हुआ कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल पहले हफ्ते में ही 284 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन कर चुकी गदर 2 ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी सॉलिड अंदाज में की और दूसरे शुक्रवार को एक बार फिर से फिल्म की कमाई में जंप आया। और जहां ट्रेड रिपोर्ट्स का इशारा साफ कहता है कि फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिसके बाद अब 8 दिन में फिल्म का कलेक्शन 305 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। साथ ही सनी देओल के लिए गदर 2 हर दिन और बड़ी फिल्म बनती जा रही है, क्योंकि गदर 2 20 करोड़ रुपए के साथ दूसरे शुक्रवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई है। वहीं इससे पहले बाहुबली 2 ने अपने दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं द कश्मीर फाइल्स का दूसरा शुक्रवार 19 करोड़ रुपए और दंगल का 18 करोड़ का कलेक्शन लेकर आया था। और अब बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाने वाली इन तीनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए अब गदर 2 दूसरे शुक्रवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। वहीं हम आपको बता दें कि गदर 2 ने 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन जितनी तेजी से पार किया है वो अपने आप में एक कमाल है, क्योंकि सनी की फिल्म अब सबसे तेज 300 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन करने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। हालांकि पहले नंबर पर अभी तक शाहरुख खान की पठान सबसे तेज 300 करोड़ कमाने वाली हिंदी फिल्म है, क्योंकि इसने सिर्फ 7 दिनों में ये कारनामा कर दिखाया था। वहीं इसके बाद सीधा गदर 2 आती है, जिसने अब 8 दिन में ये कारनामा कर डाला है। जबकि साउथ से आके हिंदी में राज करने वाली दो सबसे बड़ी फिल्मों बाहुबली 2 और केजीएफ 2 को 300 करोड़ पार करने में 10 और 11 दिन का समय लगा था, वहीं इन सबके बाद सबसे तेज 300 करोड़ कमाने वाली हिंदी फिल्मों में आमिर खान की दंगल 5वें नंबर पर आती है, जहां इसे 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 13 दिन का समय लगा था। वही जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सिर्फ 8 ही दिन में गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की सुनामी खड़ी कर दी है। और जहां इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में से एक है, वहीं अब गदर 2 भी अद्भुत रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का सफर तय कर रही है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गदर 2 की कमाई पठान के कलेक्शन के कितने करीब पहुंच पाती है। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।